याद है जब इधर होते थे कितना मजा आता था। मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगी वहां। भाई वहां पर इतनी मेरी पढ़ाइयां करने का क्या फायदा जब मुझे वापस यहीं आना है? ना ही मेरा दिल नहीं लगेगा वहां। मुझे लगता था जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा ना तुम्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होगी। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें याद है बचपन में हम एक गेम खेला करते थे? ट्रुथ एंड डेयर। यस। ओह यस। ओह माय गॉड। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। ओके। तुम्हें पता है नायर, जो तुमने मेरे लिए पैसे भेजे थे ना शॉपिंग करने के लिए, उन पैसों के मैंने जन्नत होम की आंटियों के ढेर सारे कपड़े ले लिए थे। आई एम सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैंने अपने लिए कपड़े ले लिए। मैं जानता था ये कि तुमने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की उन पैसों से। तुम्हें कैसे पता चला? इतना तो जानता हूँ ना तुम्हें शरी। ओके। आप घुमा लें। Yes! Truth or dare? Truth. वैसे तो सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ। मैंने तुम्हें भी बताया था ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाता, बल्कि मुझे तो समझो खाना बनाने नहीं आता। तुम्हारा बुरा खाना भी मेरे लिए बहुत टेस्टी होता है, और वैसे भी मैंने सारे खाने बनाने सीख लिए, तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक और सच बताना चाहता हूँ मैं तुमको। वो क्या? मैंने वादा करो सुन के बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। और नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं करती बाबा, बताओ। अच्छा ना बताओ, रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं सुनना चाहती तो ना सुनो। बताओ ना नायर। नहीं नहीं तुम नाराज हो जाओगे। नहीं होती ना। सुनो फिर, मैंने वहां शादी कर ली। सही है, कर ली शादी। पता क्या करेंगे, हम दोनों जाएंगे शॉपिंग करने, मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लूंगी उसके लिए, तुम उसको मेरी तरफ से दे देना। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पर? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, मैं जानती हूँ कब झूठ बोलते हो और कब सच। वाह चलो प्ले अनदर वन। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।